भरतकालीन ताल प्रणाली गीत तथा वाद्य के साथ ताल रखने की परंपरा प्राचीन काल से अधुना तक बराबर चली आ रही है। संगीत चाहे वह उच्च एवं शास्त्रीय हो अथवा सरल लोक संगीत हो, उसमें ताल किसी न किसी रूप में विद्यमान होती ही है। यद्यपि सामगान के तालयुक्त होने के संबंध में कोई सबल साक्ष्य उपलब्ध नहीं, तथापि यह निर्विवाद है कि तत्कालीन यज्ञ यागों में गाए जाने वाले गाथा आदि लौकिक गीतियों के साथ ताल वाद्यों का वादन अवश्यमेव किया जाता था। ऋक, पाणिका, गाथा तथा उल्लोप्यक आदि प्राचीन सप्तगीत ताल में निबद्ध होते थे, ऐसा स्पष्ट संकेत नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है। भरतकालीन ध्रुवा गीतों का विवेचन करते समय हमने निर्दिष्ट किया है कि यह गीत स्वर तथा ताल दोनों की दृष्टि से पूर्णतः निबद्ध हुआ करते थे। संगीत रत्नाकरकार के अनुसार ताल शब्द की व्युत्पत्ति तल धातु से हुई है, जो इस बात का संकेत करती है कि गीत वाद्य तथा नृत्य तीनों का यह अधिष्ठान है। ताल का कार्य असीम कालावधि को सीमाबद्ध करना रहा है। भरत के शब्दों में तालस्य तु प्रमाणम वे विज्ञेयम तालयोक्तृ भी। कला, पाठ तथा लय ताल के विशिष्ट अंग है। कला का निर्माण मात्राओं की गणना पर निर्भर बतलाया गया है। मात्रा योगात कला स्मृता। स्वयं मात्राओं की गणना ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत अक्षरों से संबद्ध है। नाट्यशास्त्र के अनुसार ह्रस्व स्वर एक मात्रक है, दीर्घ स्वर द्विमात्रक तथा प्लुत अक्षर त्रिमात्र है। समय की दृष्टि से पांच निमेष का काल कला अथवा मात्रा के तुल्य माना गया है। काल के इसी सूक्ष्मतम परिमाण से संगीत की लय का निर्धारण किया जाता है। अमर कोषाकार के अनुसार ताल से तात्पर्य काल तथा क्रियाओं के परिमाण से है। तालः काल क्रियामानम समस्त गीत तथा वाद्यवादन के अंतर्गत प्रचलित एक सा कालमान ही लय है। तालात साम्यम भवेत साम्यदिहि सिद्धि परत्र च। लय कालमान के अनुसार त्रिविध है, द्रुत, मध्य तथा विलंबित। लय की यह गणना पाठ्य तथा संगीत दोनों में समान रूप से पाई जाती है। चाहे भाषा हो अथवा संगीत हो, शब्दों की लघुता तथा विश्राम आदि अंगों का निर्वाह उसमें बराबर किया जाता है। पेज 397। भाषण तथा संगीत के अंतर्गत विशिष्ट भावा परिपोष स्वरों के आवश्यक उतार चढ़ाव तथा इनके मध्य में वर्तमान विशिष्ट काल के अंतर दोनों पर निर्भर रहता है। भरत के शब्दों में एवमेतत् स्वरयुक्तम् कलाताल लयान्वितम् दशरूप विधानेतु योज्यम् पाठम् प्रयोक्तृभि। संगीत के अंतर्गत प्रमाण काल का मापदंड मध्य लय मानी गई है। यस्तत्र तु लयो मध्यस्तत् प्रमाण कला भवेत्। नाट्यशास्त्र के अध्याय 35 में भरत ने पात्र तथा रस के आनुकूल्य से लय तथा मृदंग वादन के संबंध में पर्याप्त विवेचन किया है। भरतानुयायी कौहल ने रसानुकूल ताल तथा लय का विवेचन करते हुए लय प्रकारों का निर्देश किया है, जो इस प्रकार हैं: यथा वलित अथवा वल्लनित, द्विपदी, उत्फुल, उल्लसन, जम्भलिका, खंडघरा इत्यादि। कोहल के अनुसार प्रावेशिकी ध्रुवा का गान वलित नामक मध्य लय में किया जाना चाहिए। उनके अनुसार उल्लसन लय का प्रयोग वीर रस के लिए, जम्भलिका का करुण के लिए तथा खंडघरा का उपयोग रथ की गति को संकेतित करने के लिए है। इन विविध लय प्रकारों का प्रयोग सदैव अभीष्ट रस के परिपोष के लिए किया जाता रहा है। ध्वनि समूहों का गान अथवा वादन विशिष्ट लय में किए जाने पर तदनुकूल भावों को उद्दीप्त करता है, ये तथ्य अनुभव सिद्ध है। द्रुत लय में गान अथवा वादन यदि भावों को तरल बना देता है तो विलंबित लय में प्रस्तुत संगीत गंभीर वातावरण को उपस्थित कर देता है। मध्य लय की कला का विस्तार निम्न तीन प्रणालियों से किया जाता है: चित्र, वार्तिक तथा दक्षिण। इनके लिए पारिभाषिक संज्ञा मार्ग है। चित्र मार्ग में न्यूनतम परिमाण एक गुरु अर्थात दो मात्राओं का होता है, जिससे तात्पर्य यह है कि एक कला में एक साथ दो मात्राओं का गान किया जाता है। पेज 398। वार्तिक से उससे दुगना अर्थात चार मात्राओं का परिमाण होता है, अर्थात लय को
अक्षुण्य रखते हुए एक कला में दो गुरु अक्षर अर्थात चार मात्राओं का समवेत गान होता है। दक्षिण के अंतर्गत इससे द्विगुण अर्थात अष्ट मात्रा वाला परिणाम परिमाण होता है, अर्थात एक कला में चार गुरु अर्थात आठ अक्षरों का समवेत उच्चारण अथवा गान होता है। गान तथा वाद्य के अंतर्गत लघु तथा गुरु अक्षरों के क्रमानुसार ताल में जाति द्विविध होती रही है। चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र। चतुरस्त्र वह ताल जाति है जिसमें कलाओं का क्रम दो गुरु एक लघु तथा अंत्य प्लुत रहता है। द्वयस्त्र वह जाति है जिसमें कलाओं का क्रम एक गुरु दो लघु तथा पश्चात एक गुरु इस गणना से नियमित रूप से प्रचलित रहता है। भरतकालीन समस्त ताल इन्हीं तीन जातियों के अंतर्गत आते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में कुल कला संख्या के आधार पर निम्न तालों का प्रचलन रहा है। चंचत पुट चापपुट षट पिता पुत्रक अथवा पंचपाणी सम्यक कृष्टाक तथा उद्घट। चंचत पुट नामक ताल चतुरस्त्र जाति का होता है जिसमें अक्षरों की कुल संख्या आठ होती है। चापपुट ताल की जाति त्रयस्त्र है तथा कुल अक्षर संख्या छह होती है। इन्हीं दो तालों के सम्मिश्रण से षट पिता पुत्रक अथवा पंचपाणी नामक मिश्र ताल का उद्भव होता है। इसमें मात्राओं का क्रम प्लुत लघु गुरु गुरु लघु तथा प्लुत इस प्रकार प्रचलित होता है। इस ताल का स्वरूप इस तालिका में देखिए। एक चंचत पुट मध्यलय जाति चतुरस्त्र तथा कलाचार मात्रा क्रम गुरु गुरु लघु प्लुत कुल मात्रा आठ अक्षर क्रम गुरु के साथ नीचे दो गुरु के साथ नीचे दो लघु के साथ एक प्लुत के साथ तीन कुल अक्षर आठ। दो चापपुट मध्यलय त्रयस्त्र जाति तथा चार कला मात्रा क्रम गुरु लघु लघु गुरु कुल मात्रा छह अक्षर क्रम गुरु के साथ दो लघु के साथ एक गुरु के साथ दो कुल अक्षर छह। तीन षट पिता पुत्रक अथवा पंचपाणी मध्यलय मिश्र जाति तथा छह कला मात्रा क्रम प्लुत लघु गुरु गुरु लघु प्लुत कुल मात्रा बारह अक्षर क्रम तीन एक दो दो एक तीन कुल अक्षर बारह। पेज 399। इन चार चार तथा छह कला वाले उपयुक्त प्रमुख तालों के अतिरिक्त पाँच सात नौ दस तथा एकादश कलाओं के संकीर्ण तालों का संकेत नाट्य शास्त्र में हुआ है। इन तालों का प्रयोग प्रायः नहीं के तुल्य था ऐसा भरताचार्य का कथन है। चंजत पुट तथा चापपुट ताल कला भेद के अनुसार नानाविध बताए गए हैं, जैसे यथाक्षर द्विकल चतुष्कल अष्टकल तथा षोडशकल। त्रयस्त्र काल कला प्रस्तार के अनुसार निम्न छह प्रकार का बतलाया गया है। त्रिकल षटकल द्वादशकल चतुर्विशतिकल अष्ट चत्वारि षटकल तथा षण्वत्तिकल। चंचत पुट के अंतर्गत यथाक्षर से तात्पर्य ऐसे ताल रूप से प्रतीत होता है जो ताल संज्ञा के अक्षरों के अनुरूप है, अर्थात कलाओं की संख्या व गणना विशिष्ट ताल संज्ञा के अक्षरों के बराबर होती है। उदाहरणार्थ चंचत पुट संज्ञा के अंतर्गत चार अक्षर क्रमशः गुरु गुरु लघु तथा प्लुत हैं। अतएव गीत के प्रत्येक अक्षर का गान एक कला में किए जाने पर वह यथाक्षर अथवा एकल नाम से संबोधित होगा। तालों का यही शुद्ध एवं प्राथमिक स्वरूप आधुनिक परिभाषा में ठेका कहलाता है। भरत के अनुसार यही ताल का विशुद्ध रूप है। एवमेक कलोग्य यह शुद्धश्च चतपुटादिकः। इसके द्विकल तथा चतुष्कल आदि अन्य भेदों में क्रमशः द्विगुण तथा चतुर्गुण अक्षरों का समावेश एक कला अथवा मात्रा में किया जाता है। दूसरे शब्दों में गुरु के अंतर्गत चार तथा लघु के अंतर्गत दो अक्षरों का गान करने से चंचत पुट के क्रमशः द्विकल तथा चतुष्कल भेद निष्पन्न होते हैं। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के अनुसार उपयुक्त प्रकार गुरु अक्षरों की संख्या पर निर्भर है। ताल क्रिया द्विविध बतलाई गई है, सशब्द तथा निशब्द। सशब्द वह है जिसमें तालखंडों के निर्देश के लिए आघात की ध्वनि की जाती है। यह सशब्द क्रिया चतुर्विध बतलाई गई है, शम्या ताल सन्निपात तथा ध्रुव। शम्या वह है जिसमें दक्षिण हाथ से बाएं हाथ पर आघात किया जाता है। ताल वह क्रिया है
जिसमें बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर आघात किया जाता है। पेज 400, जहां दोनों हाथों से परस्पर आघात किया जाता है वहां सन्निपात नामक क्रिया होती है। ध्रुव नामक आघात के संबंध में नाट्य शास्त्र में कुछ वचन पाया जाता है जो इस प्रकार है, परंतु यह संदिग्ध है। ध्रुवम तु मातृकम पातः रागमार्ग प्रयोजकः। ताल के जिन विभागों का संकेत बिना ध्वनि के किया जाता है वह विधि निःशब्द कहलाती है। यह निःशब्द क्रिया चतुर्विध है, आवाप, निष्काम, विक्षेप तथा प्रवेशक। आवाप क्रिया में हस्त को उत्तान रखकर अंगुलियों का निकुंजन किया जाता है। निष्काम में हस्त को अधोमुख कर अंगुलियों को क्रमशः प्रसारित किया जाता है। उसी हस्त को दाहिनी ओर फेंकने से विक्षेप क्रिया होती है तथा हस्त को स्वस्थान में लाकर अंगुलियों के आकुंचन करने से प्रवेश क्रिया होती है। ताल दर्शाने के लिए प्रत्येक अक्षर पर हस्त क्रिया को किस प्रकार किया जाता है इसका विवरण नाट्य शास्त्र में उपलब्ध है। चंचत पुट के यथाक्षर नामक प्रकार में यह विधि कैसे की जाती है इस तथ्य का संकेत भरत के इस कथन से उपलब्ध होता है। चकारे तु भवेत् क्षम्या द्वितीय ताल एव च, पुकारे तु भवेत् क्षम्या चकारे ताल एव च। अर्थात चम पर क्षम्या, दूसरे च पर ताल, तीसरे पु पर क्षम्या तथा चौथे ट पर ताल, इस प्रकार का क्रम चंचत पुट के विशुद्ध प्रकार में रहा है। युवा आचार्य तथा वर्धमान नामक गीतों के साथ ताल की इन क्रियाओं का संकेत अंगुलियों पर भी किया जाता रहा है। उदाहरणार्थ अष्टकल ताल में कनिष्ठिका पर निष्काम तथा क्षम्या कनिष्ठा एवं अनामिका पर निष्काम, ताल तथा क्षम्या मध्यमांगुंठ पर प्रवेश, तर्जनी पर निष्काम तथा अंगुष्ठ पर सन्निपात क्रियाओं का संकेत किया जाता था। इस विवेचन के आधार पर भरतकालीन ताल प्रणाली के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भरत के अनुसार ताल वाद्यों का समावेश घन वाद्य के अंतर्गत आता है। पेज 401, इन वाद्यों में कांस्य, करताल, झांझ, मंजरी आदि धातु निर्मित वाद्य ही भरत को अभिप्रेत हैं। ऐसा सहज अनुमान किया जा सकता है। नाट्य शास्त्र से स्पष्ट है कि प्राचीन गीतों के साथ हाथ से ताल देने की प्रणाली प्रचलित थी। गीत की प्रत्येक मात्रा के साथ अनुकूल हस्त क्रिया की जाती थी तथा अंगुलियों पर ताल के विविध अंगों की गणना की जाती थी। ताल के अंतर्गत करा न्यूनतम परिणाम परिमाण माना जाता था। काल की दृष्टि से यह परिमाण 5 निमेषों के तुल्य माना जाता था तथा अक्षरों की दृष्टि से 1 गुरु अर्थात 2 मात्राओं के बराबर माना जाता था। कला का निर्धारण प्रायः मध्यलय के अनुसार किया जाता था। कला के प्रमाण को अक्षुण्य रखते हुए उसी के अंतर्गत एकाधिक अक्षरों के गायन से द्विकल चतुष्कल से लेकर पर्णवती अर्थात 96 अक्षरों तक कला का प्रस्तार किया जाता है। तालों के अंतर्गत निःशब्द तथा सशब्द दोनों क्रियाओं का उपयोग मात्राओं की गणना के लिए किया जाता था। सशब्द क्रिया के लिए पाद संज्ञा थी तथा इनको दर्शित करने के लिए हस्तों का आघात अथवा चुटकी जैसी क्रियाएं की जाती थी। कोहल के द्वारा उल्लेखित लय प्रकारों से नितांत स्पष्ट है कि उस समय तक समीचीन भावर परिपोष के लिए विविध लय प्रकारों की परंपरा नाट्य एवं संगीत में स्थापित हो चुकी थी। गायक तथा वादक के गुणावगुण, गायक तथा वादक के गुणावगुण के संबंध में नाट्य शास्त्र में विवरण पाया जाता है जो नितांत उपादेय है। नाट्य शास्त्रकार के अनुसार यशस्वी गायक के लिए स्निग्ध मधुर एवं दृढ़ स्वर की परम आवश्यकता है। स्वरवान होने के अतिरिक्त लय, ताल, कला तथा प्रमाण आदि तालांगों का सम्यक ज्ञान भी गायक के लिए अनिवार्य होता है। पेज 402, इन गुणों के अतिरिक्त सफल संगीत प्रदर्शन शरीर स्वास्थ्य एवं मनोधैर्य पर निर्भर बतलाया गया है। भरत के शब्दों में गाता प्रत्येक ग्रवया स्निग्ध स्वर मधुरम मांसलोपचितः, लय ताल कलामान प्रमाण योगेशु तत्वज्ञ, रूप गुण कांति संस्थान धैर्य माधुर्य संपन्नः, पैशल मधुर स्निग्धा नुनाद समरक्त शुभकंठः। इसी दृष्टि से कंठ के गुण तथा दोषों का विवेचन नाट्य शास्त्र में हुआ है। कंठ के गुण 6 हैं: श्रावक, घन, स्निग्ध, मधुर, विधानवान तथा त्रिस्थान शोभी। श्रावक कंठ वह है जो दूर तक स्पष्ट तथा सुस्वर रूप से सुनाई पड़े,
घन वह है जिसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो अथवा गाते समय बांस की तरह कंठ फटता हुआ न हो। गच्छिद्री सा घनः स्मृतः, स्वर अधिक अथवा न्यून होने पर उसको सम्यक रूप से अवधान पूर्वक लगाने की पात्रता विधानवान अथवा अवधानवान से व्यक्त होती है। स्निग्ध कंठ वह है जो रुक्षता से विरहित हो, अरुक्षद वनी संयुक्त। मधुर कंठ वह है जो कठिन स्वर समूहों के होने पर भी कदापि विस्वर न होता हो। महास्थाने अप्यवे स्वर्यम, त्रिस्थान शोभी वह है जो तीनों स्थानों में निर्बाध एवं अविस्वर रूप से संचार कर सके। नाट्य शास्त्र के अनुसार कंठ दोष 5 हैं, जैसे कपिल, अव्यवस्थित, काकी, तुम्बी तथा संदष्टक। कपिल से तात्पर्य कफ युक्त कंठ से है। कपिलः स तु विज्ञेयः श्लेषम कंठस तथैव च। अव्यवस्थित से तात्पर्य ऐसे कंठ से है जिसमें स्वरों को न्यूनाधिक लगाने की सहज प्रवृत्ति होती है। यही दोष कृशत्व दोष भी कहलाता है। उन्नताधिकता वापि स्वराणाम यत्र दृश्यते कृशत्व दोषतश्चैव येयः स त्वरवस्थितः। विस्वर तथा रुक्ष कंठ को काकी अर्थात काक के समान आक्रोश युक्त कहा गया है। सानुनासिक कंठ स्वर के लिए तुम्बक संज्ञा है तथा दांतों को पीस कर गाने की क्रिया संदृष्ट के नाम से संबोधित है। पेज 403। यशस्वी वीणा वादक के लिए यह आवश्यक है कि पाणि, लय, यति इत्यादि तालांगों में विशेषज्ञ होने के साथ अंगुलियों के चपल एवं मधुर प्रयोग में सिद्ध हस्त हों। नानाविध करणों को स्पष्ट रूप से निकालने की क्षमता उसमें होना आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जब वह दृढ़ परिश्रम अथवा रियाज के लिए सदैव तत्पर रहे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि वीणा वादन कौशल्य के साथ गायन कला का यथोचित ज्ञान उसमें हो। भरत ने इसी दृष्टि से वीणा वादक के लिए रक्त कंठ होना आवश्यक बतलाया है। भरत के शब्दों में सुनिविष्ट पाणी लय यति विशारदोपमित मधुर लघु हस्ताहा गात्र गुणश्चोपते अवहित मनसौ सुसंगीतौ स्फुटे रचित चित्रकरणौ जित श्रमौ रक्त कंठवीणौ च चित्रादि वाद्य कुशलौ वीणाया वादकौ भवतः। यशस्वी वंशवादक के लिए गीत तथा ताल ज्ञान के अतिरिक्त अवहित बुद्धि होना आवश्यक बतलाया गया है। दृढ़ानीलता अर्थात श्वास क्रिया पर अधिकार उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। सुशीर वाद्य के वादन के लिए श्वास नियंत्रण ही आधारभूत तत्व है। भरत के शब्दों में बलवान वहित बुद्धिर गीत लय ज्ञस्त तथा सुसंगीतः श्रावक मधुर स्निग्धौ दृढ़ानिलौ वंशवादी स्यात। मृदंग वादक के लिए आवश्यक गुणों का निर्देश इस श्लोक में है। स्फुट प्रहारम विशदम विभक्तम रक्तम विघुष्टम करलेपनम च त्रिमार्जनम पूरित तरागयोगम मृदंगवादम गुणतो वदन्ति। मृदंग वादक के लिए गीत वाद्य कला ग्रह मोक्ष आदि सभी अंगों में सिद्ध हस्त होना आवश्यक है। मृदंग वादन की सफलता इसी में है कि उस पर करणों अर्थात बोलों का वादन मधुर स्पष्ट एवं मौलिक हो। सरल तथा संयुक्त दोनों प्रकार के बोलों को स्पष्ट एवं विशद रूप से बजाने के लिए शरीर की दृढ़ता आवश्यक है। बोल मधुर रूप से बजने के लिए यह आवश्यक है कि वादक की हस्तक्रिया लघु अर्थात चपल हो तथा हस्तों में जड़ता अथवा भारीपन न हो। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि वाद्य के समस्त शास्त्र को अवगत करने पर अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा के द्वारा बोलों की मौलिक रचना प्रस्तुत करने की क्षमता मृदंग वादक में विद्यमान हो। भरताचार्य के शब्दों में अत ऊर्ध्वम प्रवक्षयामि वादकानां तु लक्षणम् गीत वात कलावात ग्रह मोक्ष विशारदः। अथ लघु हस्तश्च चित्रपाणि विधिर्ग्य सिद्धि स्थाने ध्रुवा कुशलः कलाभिरतः मधुर हस्तः सुनिष्विष्टौ मार्जनी
बलवान सुविहित शरीर बुद्धि संसिद्धौ वादकः श्रेष्ठ आलेपन प्रामाणस्य चतुर्मार्ग कृताश्रयः प्रगहीता सिद्धानामाम् मांग दोष विवर्जितः निच्चलौ निपुणः शीघ्रौ लघुहस्तौ विधानवित् वादनांतर वेदी च दर्दरी च प्रशास्यते। Page 404.